अस्सलाम वालेकुम क्लास। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रोटेशनल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा। हम लोगों ने रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ी है और वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमने देखा था कि मॉलिक्यूल में वाइब्रेशनल ट्रांजिशंस होती हैं। मॉलिक्यूल लोअर लेवल पर था, लोअर वाइब्रेशनल एनर्जी पर था। आई आर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने के बाद वो हाई एनर्जी स्टेट के साथ मूव करना स्टार्ट कर गया, मतलब वो जीरो से फर्स्ट एनर्जी लेवल पर चला गया, जीरो से फर्स्ट वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल पर चला गया। अब ये वाला जो हमारे पास एनर्जी लेवल है, अगर हम इसको जूम करके देखें, सिर्फ जीरो से वन जो ट्रांजिशन हो रही है उसको हम जूम करके देखें तो कुछ इस तरह से आता है। अब ये जो दो लाइंस है हमारे पास, ये जो जीरो ट्रांजिशन है, जीरो स्टेट और वन स्टेट, इन दोनों ट्रांजिशंस को अगर हम इनलार्ज करके देखें, मजीद जूम करके देखें, तो ये इतनी सिंपल नहीं है। जैसे मॉलिक्यूल अगर जीरो से फर्स्ट एनर्जी लेवल पर गया है तो मॉलिक्यूल में इस वाइब्रेशनल लेवल में बहुत सारे रोटेशनल लेवल्स भी होंगे। हमें पता है कि जो मॉलिक्यूल है उसमें वाइब्रेशंस भी होती हैं और उसके साथ साथ रोटेशंस भी होती हैं। सिर्फ वाइब्रेशंस नहीं होती, वाइब्रेशन के साथ साथ उसमें रोटेशनल एनर्जी भी होती है, मॉलिक्यूल रोटेट भी कर रहा है। अब अगर हम इसको जूम करके, मजीद जूम करके देखें, तो ये जो हमारे पास अपर लेवल है उसमें बहुत सारे रोटेशनल लेवल्स होंगे, मतलब J1, J2, J3, J4। इसी तरह जो लोअर लेवल है उसमें बहुत सारे रोटेशनल लेवल्स होंगे, J1, J2, J3, J4 एंड सो ऑन। नीचे वाले को हम कह देते हैं कि ये जे लेवल्स हैं, ऊपर वाले को जे प्राइम लेवल्स, उससे ऊपर वाला जो है उसे जे डबल प्राइम, उससे ऊपर वाला जो है उसे जे ट्रिपल प्राइम। इसी तरह से हम लोग इसको डिफरेंट लेवल्स में कैटेगराइज करते हैं। लेकिन हम लोग अभी से सबसे सिंपल लेवल्स पढ़ेंगे कि मॉलिक्यूल जीरो से फर्स्ट एनर्जी लेवल पर जा रहा है, हम सिर्फ और सिर्फ जीरो से वन तक उसकी एनर्जी ट्रांजिशन को स्टडी करेंगे। अब अगर हम टोटल एनर्जी की बात करें, ठीक है, कोई मॉलिक्यूल है जिसमें रोटेशनल वाइब्रेशनल दोनों एनर्जीज हैं, तो उसकी जो टोटल एनर्जी होगी वो कितनी होगी? वो हमारे पास एनर्जी ऑसिलेशन या एनर्जी रोटेशन प्लस एनर्जी वाइब्रेशन, मतलब जो हमने ऑसिलेशन की या रोटेशनल एनर्जी निकाली थी, इसको रोटेशन भी लिख सकते हैं, तो उसको और प्लस हमारे पास जो हमने वाइब्रेशनल एनर्जी निकाली थी एन हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, ये हमारे पास टोटल एनर्जी है, इसको मैंने यहाँ रोटेशनल लिख दिया, रोटेशनल लिख लें या ऑसिलेशन लिख लें, एक ही बात है। तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी रोटेशन प्लस एनर्जी वाइब्रेशनल, या वाइब्रेशनल एनर्जी और रोटेशनल एनर्जी। तो ये हमारे पास रोटेशनल एनर्जी जो थी वो इक्वल थी बीटा जे इंटू जे प्लस वन, और प्लस जो वाइब्रेशनल एनर्जी थी एन हार्मोनिक ऑसिलेटर के केस में, रियल केस में, वो थी वी प्लस वन ओवर टू ओमेगा बार ऑसिलेशन माइनस वी प्लस वन ओवर टू स्केयर ओमेगा बार ऑसिलेशन इंटू एक्स, एक्स एन हार्मोनिसिटी कॉन्स्टेंट। अच्छा, अब जो मॉलिक्यूल मैंने पीछे ड्रॉ किया था कि हम उसे इनलार्ज करके देखते हैं, तो उसको मैंने यहाँ इनलार्ज करके ड्रॉ कर दिए। पास है लोअर लेवल्स, ये देखें, ये वाले आपको जितने भी नजर आ रहे हैं ये सारे लोअर लेवल्स हैं, और ये वाले ऊपर वाले ये अपर लेवल्स हैं। ठीक है, जीरो से वन ट्रांजिशन की हम सिर्फ बात कर रहे हैं, तो ये लोअर लेवल्स हैं, ये अपर लेवल्स हैं, मतलब ये रोटेशनल लेवल्स हैं। एक जो हमारे पास वी जीरो है, एक वाइब्रेशनल लेवल है, उसमें मजीद बहुत सारे रोटेशनल लेवल्स होते हैं। इसी तरह एक जो अपर लेवल होगा उसमें भी बहुत सारे रोटेशनल लेवल्स होते हैं। नीचे वाले को हम लिखते हैं जे जीरो, जे वन, जे टू, जे थ्री, जे फोर, जे फाइव। अपर को लिखते हैं जे जीरो, जे जीरो प्राइम, इसी तरह जे वन प्राइम, जे टू प्राइम, जे थ्री प्राइम, जे फोर प्राइम, जे फाइव प्राइम। अब मॉलिक्यूल जब जीरो से फर्स्ट वी में जाता है, वाइब्रेशनल में जीरो से वन में जाता है, तो उसकी रोटेशनल लेवल, उसका रोटेशनल एनर्जी भी चेंज होगी। जैसे मॉलिक्यूल गया, ये देखिए, ये जीरो से वन में गया है। अब जो मॉलिक्यूल है वो जीरो से वन में जाएगा, इसका मतलब है वाइब्रेशन में तो हमें सीधा सीधा नजर आ रहा है, रोटेशन में वो कहाँ पर जाएगा? हमने देखा था कि जो रोटेशनल लेवल है उसमें प्लस माइनस वन, डेल्टा जे इज इक्वल टू प्लस माइनस वन था, इसका मतलब है वो जीरो से वन में जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जे वन प्राइम में गया है, जे जीरो से जे वन प्राइम में गया है, तो यहाँ पर प्लस वन का की ट्रांजिशन आई है, जे प्लस वन में गया है। इसी तरह अगर ये जे वन से जे टू में जाते हैं, मतलब जो प्राइम वाला लेवल है वहाँ पर टू में गया है, नीचे यहाँ पे कहाँ पे था, यहाँ पर वन में था, तो इसमें भी प्लस वन चेंज आया है। इसी तरह J3 में गया, इसी तरह ये J3 से अपर लेवल J4 में गया, तो इन सारी ट्रांजिशंस को हम कहते हैं डेल्टा जे इज इक्वल टू प्लस वन, कि इसमें प्लस वन ऐड हुआ है, वन ऐड हुआ है। लेकिन अगर ऐसा हो कि मॉलिक्यूल नीचे वाले लेवल में वन पे है, नेक्स्ट में वो जीरो पे चला जाए,
या यहाँ पे वो टू में था और ऊपर जाके वो वन में चला जाए, या इस तरह हो सकता है कि यहाँ नीचे थ्री में था ऊपर अपर लेवल में वो टू में चला जाए, तो फिर उसे हम कहते हैं कि ये डेल्टा जे माइनस वन में है। जैसे यहाँ पर नीचे वाले लेवल में वो वन पे था, अपर लेवल में वो जीरो पे चला गया, नीचे यहाँ पर वो टू में था अपर लेवल में वो वन में चला गया, यहाँ पे थ्री में था तो अपर लेवल में वो टू में चला गया, यहाँ पे ये फोर में था अपर लेवल में वो थ्री में चला गया। तो इसको हम कहते हैं ये डेल्टा जे माइनस वन है। ठीक है, मॉलिक्यूल में जो ट्रांजिशंस आती हैं वो हमारे पास प्लस वन भी हो सकती हैं और माइनस वन भी हो सकती है। तो जब हम लोग टोटल एनर्जी निकालते हैं, इन दोनों का सम निकाल लिया, लेकिन एनर्जी गैप जब निकालेंगे रोटेशनल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा में, जब हम एनर्जी गैप निकालेंगे तो तब हम किस तरह से निकालेंगे एनर्जी गैप? ये देखिए, हम पहले रोटेशनल में देखते थे कि हमारे पास अपर लेवल माइनस लोअर लेवल, यहाँ पर वाइब्रेशनल में भी ऐसे ही होता है, सेम अपर लेवल माइनस लोअर लेवल, लेकिन अब यहाँ पर साथ में हमारे पास डेल्टा जे भी चेंज होगा। तो ये जो इसका एनर्जी गैप निकलेगा वो किस तरह से निकलेगा? एनर्जी जे प्राइम, जे प्राइम का क्या मतलब है? जो अपर लेवल वाले जितने भी लेवल्स हैं उनमें जे प्राइम और वी हमारे पास जब वन के इक्वल होगा, माइनस लोअर लेवल में क्या है, जे सिंपल जे है, और जब वी हमारे पास जीरो के इक्वल है। तो जब हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे बहुत सिंपल हो जाएगा, और इसको ये कैलकुलेट करना भी आसान है। देखने में ये लगेगा कि टफ है, लेकिन जब इसे खुद से कैलकुलेट आप लोग स्टार्ट करेंगे तो ये बहुत इजी सी कैलकुलेशंस है। तो हम इसकी नेक्स्ट कैलकुलेशंस देखते हैं। हम लोगों ने क्या किया, ई जे वी इज इक्वल टू वन। अब जहां जहां पे, इधर इसको देखें आप ना, ये जो हमने टोटल एनर्जी लिखी थी, टोटल एनर्जी को अगर हम देखें तो ये देखें, ये हमारे पास टोटल एनर्जी है। इस टोटल एनर्जी में हम लोग पहले पुट करेंगे जे प्राइम और वी इज इक्वल टू वन, उसके बाद माइनस, फिर हम करेंगे पुट जे की जगह ये जे ही रहने देंगे और वी की जगह हम जीरो पुट कर देंगे। तो ये देखें, ये हमारे पास आ गया, पहले हम लोगों ने जे प्राइम और वी इज इक्वल टू वन पुट किया। ये देखिए, यहाँ पर हमने जे प्राइम पुट कर दिया, यहाँ पे भी जे प्राइम, और वी की जगह हमने वन लिख दिया, इधर भी वी की जगह हमने वन लिख दिया। और सेकंड हम लोगों ने क्या किया, जे की जगह हमने जे ही रहने दिया और वी की जगह हम लोगों ने जीरो लिख दिया। ठीक है, तो इसको अगर हम सॉल्व करें, ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगा, वन प्लस वन बाई टू, ये आ जाएगा थ्री बाई टू, ये आ जाएगा नाइन बाई फोर, ये यहाँ पर वन बाई टू और वन बाई फोर, बाकी सब कुछ एज इट इज़ है। अब हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं, ये जो ओमेगा बार ऑसिलेशन है और ये ओमेगा बार ऑसिलेशन, इनको एक साथ लिख लेते हैं, और ओमेगा बार ऑसिलेशन इंटू एक्स, और ये वाला भी ओमेगा बार ऑसिलेशन एक्स, इनको एक साथ लिख लेते हैं। तो ये इस तरह से आ जाएगा। अब हम इसका एलसीएम ले लें, इसका एलसीएम ले लेंगे तो टू बाई टू आ जाएगा, इसका एलसीएम भी ले लेते हैं तो ये एट बाई फोर आ जाएगा, और टोटल फिर इसको कट करके हमारे पास आ जाएगा ओमेगा बार ऑसिलेशन माइनस टू ओमेगा बार ऑसिलेशन इंटू एक्स, और बाकी ये जो बी जे, ये वाले जो बी जे, और इसको एक साथ लिख लेंगे बी जे या बीटा जे, इन दोनों को हमने एक साथ लिख लिया। ठीक है, अब हम इसको मजीद सॉल्व करते हैं। जब हम मजीद सॉल्व करेंगे, पहले हम ये सपोज कर लेते हैं कि ओमेगा बार ऑसिलेशन माइनस टू ओमेगा बार ऑसिलेशन इंटू एक्स, ये हमारे पास ओमेगा नॉट के इक्वल है, तो हम यहाँ पर ओमेगा नॉट पुट कर देते हैं। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे, तो बीटा हमने कॉमन ले लिया, बाकी जे प्राइम हमारे पास जे प्राइम स्क्वायर प्लस जे माइनस जे स्क्वायर प्लस जे आ जाएगा। ठीक है, इसको हम फर्दर फिर सॉल्व कर लें, तो ये हमारे पास आ जाएगा जे प्राइम स्क्वायर माइनस जे स्क्वायर, हमने रीअरेंज कर लिया थोड़ा सा जे स्क्वायर। अब हम ये स्क्वायर में है, जे प्राइम स्क्वायर माइनस जे स्क्वायर, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, जे प्राइम माइनस जे प्लस इंटू जे प्राइम प्लस जे, हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। तो हमने यूं ही लिख दिया, ये स्क्वायर था, हमने इसको इस तरह करके लिख दिया, जे प्राइम माइनस जे इंटू जे प्राइम प्लस जे। तो यहाँ से हम लोग अब कॉमन ले सकते हैं जे प्राइम माइनस जे को, तो बी के साथ या बीटा के साथ हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे कॉमन जे प्राइम माइनस जे, कॉमन आ गया, बाकी यहाँ पर ये वाली ब्रैकेट नहीं आएगी, जे प्राइम माइनस जे आ गया, और बाकी हमारे पास यहाँ पे आ गया जे प्राइम प्लस जे प्लस वन। ठीक है, ये हमारे पास आ गई वैल्यू। अब हम लोगों के पास ये सिंपलर, सबसे सिंपलर इक्वेशन है, लेकिन हम लोग सिर्फ ट्रांजिशन किसकी बात कर रहे हैं, मैंने स्टार्ट में बताया है कि हम जीरो से फर्स्ट ट्रांजिशन की बात कर रहे हैं, कि वी जब जीरो होगा वहां से मॉलिक्यूल ने वी वन में जाने, तो वहां पे जाने के लिए अब हमारे पास दो केसेस होंगे। ठीक है, या तो मॉलिक्यूल में प्लस वन ट्रांजिशन आएंगी, कि मॉलिक्यूल में प्लस वन ट्रांजिशन का मतलब क्या है, मॉलिक्यूल
जे जीरो से जे वन में जा रहा है, मतलब जे वन प्राइम में जा रहा है, अपर लेवल में जे वन में जा रहा है, या मॉलिक्यूल जे वन से जे टू में, अपर लेवल जे टू में जा रहा है, या मॉलिक्यूल जे थ्री से जे फोर में जा रहा है, मतलब मॉलिक्यूल वी जीरो में लोअर लेवल पर था और वी वन में जाके वो अपर रोटेशनल लेवल पर चला गया, ठीक है, उसमें रोटेशन बढ़ गई, इंक्रीज हो गई, उस टाइम में हम कहते हैं कि हमारे पास जो चेंज आया रोटेशनल लेवल में वो आया प्लस वन. तो ये हमने प्लस वन देखा. अब प्लस वन के लिए हमारे पास होगा केस वन. प्लस वन हम डेल्टा जे को कहते हैं चेंज इन रोटेशनल लेवल, मतलब यहाँ से ये मॉलिक्यूल जो है लोअर लेवल से यहाँ पर अपर लेवल में चला गया, प्लस वन इसमें आ गया. तो हम इसको लिख सकते हैं जे प्राइम माइनस जे, अपर लेवल जे प्राइम था, लोअर लेवल जे था, तो ये हमारे पास इक्वल आएगा प्लस वन के. और जे प्राइम की हम वैल्यू निकालें तो वो आ जाएगा जे प्लस वन. अब जहाँ जहाँ पे इस इक्वेशन में जहाँ जहाँ पे जे प्राइम है वहाँ पे हम लोग जे प्लस वन पुट कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा. यहाँ पे जे प्राइम था, जे प्लस वन पुट कर दिया, यहाँ पर भी जे प्राइम था, जे प्लस वन पुट कर दिया. तो हम इसे सॉल्व कर लें, ये जे से ये वाला जे कैंसिल, ठीक है, बाकी हमारे पास ये आ जाएगा टू जे और प्लस टू. तो हम इसे और सिंपल करके लिख लें और रीअरेंज भी कर लेते हैं साथ में, ओमेगा नॉट प्लस टू बीटा इंटू जे प्लस वन. ये हमारे पास एनर्जी आ गई जब हमारे पास रोटेशनल लेवल प्लस वन था, डेल्टा जे प्लस वन था और मॉलिक्यूल वी जीरो से वी वन में जा रहा था. तो इसका रोटेशनल वाइब्रेशनल एनर्जी निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है. सेकेंड केस में क्या हो सकता है कि हमारे पास जो मॉलिक्यूल है वो पहले हायर एनर्जी में था लेकिन V1 में जाके वो लोअर में चला गया. जैसे ये हमारे पास ट्रांजिशन है, यहाँ पे ये 1 में था लेकिन ऊपर जाके ये 0 में आ गया. ये देखिए इसकी जो एनर्जी रोटेशनल एनर्जी कम हो गई, यहाँ पे ये 2 में था ऊपर जाके ये 1 में आ गया. इसी तरह यहाँ पे ये 3 में था ऊपर जाके ये 2 में आ गया, यहाँ पे ये 4 में है और ऊपर जाके ये 3 में आ गया. इसका मतलब है कि इसकी रोटेशनल एनर्जी कम हो गई, डेल्टा जे माइनस वन में आएगा. जब ये मॉलिक्यूल जीरो से फर्स्ट वाइब्रेशनल लेवल पर गया उस टाइम में इसका जो रोटेशनल एनर्जी है वो कम हो गई, तो डेल्टा जे माइनस वन में आ गया. अब डेल्टा जे जब माइनस वन में आया इसका मतलब है कि डेल्टा जे प्राइम माइनस जे इज इक्वल टू माइनस वन. इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, जे इज इक्वल टू जे प्राइम प्लस वन, ठीक है, हम लोगों ने इसे रीअरेंज कर दिया. तो ये यूं भी लिखा जा सकता है, J इज इक्वल टू J प्राइम प्लस वन. ऊपर इक्वेशन है यहाँ, ये वाली सबसे फर्स्ट वाली इक्वेशन जो है, हमने टोटल एनर्जी जो निकाली थी, टोटल एनर्जी चेंज रोटेशनल और वाइब्रेशनल का, तो उसमें हमारे पास जहाँ जहाँ पे J है वहाँ पे हम J प्राइम प्लस वन पुट कर देंगे. तो ये हमारे पास आ गया, जहाँ पे J था वहाँ पे हमने J प्राइम प्लस वन पुट कर दिया, यहाँ पे भी J प्राइम प्लस वन पुट कर दिया. तो ये हमारे पास आ जाएगा बीटा इंटू माइनस वन इंटू टू जे प्राइम प्लस टू प्लस ओमेगा बार ओमेगा नॉट, ओमेगा बार नॉट आ गया, ठीक है. अब हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ओमेगा नॉट माइनस टू बीटा इंटू जे प्राइम प्लस वन. अब अगर मॉलिक्यूल जीरो वाइब्रेशनल लेवल से फर्स्ट वाइब्रेशनल लेवल पर जा रहा है उस टाइम में हमारे पास दो केस होंगे, या तो डेल्टा जे पॉजिटिव में आएगा या डेल्टा जे नेगेटिव में आएगा. अगर डेल्टा जे पॉजिटिव में आ रहा है तो ये हमारे पास फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला के थ्रू हम लोग उसकी एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं. और अगर नेगेटिव में आ रहा है तो हम इस तरह से उसकी एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं. ये दो केसेस हैं. हमने सबसे सिंपलर वन देखी है रोटेशनल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा, जब मॉलिक्यूल जीरो से फर्स्ट लेवल पर जा रहा है डिफरेंट टाइप की ट्रांजिशंस आती हैं. हम इसी केस को देख लेते हैं. अगर यही हमारे पास केस है, इसको हम बोलते हैं पी आर ब्रांच, पी आर ब्रांच. तो ट्रांजिशंस है पी वाली, ये नेगेटिव ट्रांजिशंस हैं, और जो हमारे पास आर वाली ट्रांजिशंस हैं वो पॉजिटिव ट्रांजिशंस हैं. जब डेल्टा जे प्लस वन होगा उस टाइम में ये आर वाली ट्रांजिशंस होंगी जो जीरो वन टू थ्री फोर से स्टार्ट हो रही हैं, और जब हमारे पास डेल्टा जे माइनस वन होगा उस टाइम में ये पी वन पी टू पी थ्री होगी. यहाँ पे पी जीरो नहीं होगा क्योंकि नेगेटिव में मॉलिक्यूल जीरो से स्टार्ट नहीं कर सकते, हम मॉलिक्यूल को वन से ही स्टार्ट करना पड़ेगा. जीरो से स्टार्ट करेंगे तो नेक्स्ट लेवल में जाके वो जीरो पे ही जाएगा, तो यहाँ पे माइनस वन नहीं आएगा. माइनस वन कब आएगा, जब हम जे वन से यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो तब हमारे पास मॉलिक्यूल जीरो में जाएगा. उस टाइम में हमारे पास जो ट्रांजिशन आएगी वो पी जीरो होगी. तो पी जीरो यहाँ पर नेगेटिव वाले केस में पी जीरो पॉसिबल नहीं है,
लेकिन पॉजिटिव वाले केस में आर जीरो हो सकता है. तो यहाँ पर इसकी ट्रांजिशन आएंगी, जितनी मॉलिक्यूल्स में ट्रांजिशन हो रही हैं वो इस तरह से ग्राफ में आएंगी कि ये जो नेगेटिव वाली हैं वो इस तरह से पीक आ गई हैं, डिफरेंट पीक्स आ जाएंगी, और पॉजिटिव वाली डिफरेंट पीक्स आ जाएंगी. इसे हम कहते हैं पी आर ब्रांच. दरमियान में सेंटर में जो हमारे हमें ओमेगा नॉट नजर आ रहा है वो हमारे पास क्यू में है, जहाँ पे कोई भी ट्रांजिशन शो नहीं होती. पी आर ब्रांच मोस्टली लीनियर मॉलिक्यूल्स में होती है. ये हमने सबसे सिंपलेस्ट रोटेशनल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा देखा है, जिसमें मॉलिक्यूल जीरो वाइब्रेशनल लेवल से फर्स्ट वाइब्रेशनल लेवल पर जा रहा है और उसके डिफरेंट रोटेशनल लेवल्स उसमें चेंज हो रहे हैं.